करना चाहिए। और बस आज की वीडियो होने वाली है मॉनेस्ट्री मार्केट, तो चलते अंदर एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या प्राइसिंग रहने वाली है यहाँ पे, क्लोथ्स की एंड शूज़ वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको पार्किंग दिखा देता हूँ। पार्किंग एरिया यहाँ पे है, इजीली आप अपनी बाइक कार वगैरह पार्क कर सकते हैं। देख लीजिए पार्किंग, हमने भी अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। तो 500 से स्टार्ट होके 1000 तक रेंज जाती है। बाकी शूज हो यार कितनी सारी वैरायटी है यहाँ पे, हर कलर में हर तरीके का शूज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है, मतलब कोई भी बंदा इजीली ले सकता है, ज़्यादा किसी को ना तो महंगा लगने वाला है ना तो। क्वालिटी भी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। ये वाला कितने का होगा? 1000 का। ये 1000 का है। तो इसी टाइप की अलग अलग तरीके के शूज़ है जिनकी रेंज 500 से 1000 तक जाती है। बाकी आप शूज़ देखिए अच्छे से, एक लेदर शूज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सैनिटाइजेशन वर्क चल रहा है इधर अभी। तो अभी मैंने शूज़ दिखाया आपको, अभी यहाँ पे चक्कर है काफ़ी तरीके की, थोड़ी गंदी हो रही है, बारिश का मौसम है इसलिए शायद। भाई क्या प्राइस है इनकी? 200 रुपये। तो कुछ कम हो जाता है, डिस्काउंट वगैरह हो जाता है, थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाकी ये चप्पल है इनका 350। कितना वैसे कितना रेंज से स्टार्ट हो जाता है चप्पल में आपके पास? चप्पल में 100 रुपये से स्टार्ट है। 100 रुपये से? यार 100 रुपये में आपका चप्पल मिल गया और क्या चाहिए। पहनना बंद करो और ये स्टाइलिश चप्पल है लो। ये वाली कितने की? इनका प्राइस क्या है? 480। तो 480 की है और काफ़ी दिखने में स्टाइलिश भी लग रही है, मतलब पहनोगे तो अच्छा लगेगा फिर भी। और बाकी देखो शूज़ की भी रेंज यहाँ पे काफ़ी सारी। सेम शॉप है आप दोनों? सेम शॉप है। सारी सेम शॉप से हैं और सबके पास अलग अलग वैराइटीज़ हैं शूज़ की भी, चप्पल की भी, हर तरीके का सामान आपको शूज़ वगैरह मिल जाएगा। यहाँ पे लोअर्स की काफ़ी रेंज मिल जाती है, मतलब कितने तक ज़्यादा प्राइस है? अच्छा 400। बार्गेनिंग वगैरह तो कुछ होगी? तो बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, बट रेंज काफ़ी अच्छी है। ये शर्ट्स का प्राइस क्या होगा आपके पास? 450 का। तो ये भी फिक्स प्राइस है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। कितना तक जाता है? अच्छा मतलब 450 से लेके 500 तक रेंज जाता है, वो डिपेंड करता है। बाकी क्वालिटी आप जैसी लोगे उस तरीके से आपको मिल जाएगा। बाकी एक बार देखिए शर्ट, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे। शर्ट का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे यहाँ पे कॉम्बो बनाया हुआ है इन्होंने टी शर्ट के साथ। एक बार देखिए आप, यहाँ पे प्रिंटेड शर्ट्स भी हैं। प्राइस रेंज में है, टी शर्ट्स वगैरह मैंने आपको दिखाई जैसे भी। तो बाकी जींस वगैरह देखते हैं, बाकी अंदर कैप्स वॉचेस वगैरह मिलती है तो वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। चलते हैं अबे काम आ रही तो दुकान पे जाओ।
यार 100 रुपीज से इनके पास वॉचेज स्टार्ट हो जाते, कोई भी बंदा इजीली ले सकता है यार। और बहुत अच्छी मार्केट है, बाकी आप देखिए वॉचेज कितना अच्छा कलेक्शन है इनके पास, गॉगल्स भी इनके पास हैं, कैप्स हैं, बेल्ट हैं बहुत अच्छी। बाकी देखिए आप कोई ना होता है 100 रुपीज कितने तक जाता है, कितना चल जाता है 550 तक यार रेंज जाता है, 550 तक में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वॉच इनके पास आ जाएगी, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। 550 वाली वॉच कौन सी है, एप्पल वाली, ये 550 के ऊपर वाली, और जो 100 वाली आपने बताई वो 100 वाली इस टाइप के, तो यार 100 में भी बहुत अच्छी वॉच है। ये गॉगल्स का प्राइस क्या रहेगा, 100 से स्टार्टिंग, यार 100 से स्टार्टिंग है और काफ़ी अच्छा लुक है। यार साहिल खान पहनता है ऐसा गॉगल्स, कॉपी समझ लो उसका, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैप्स का क्या प्राइस रहता है, 200 से स्टार्टिंग है, कितना तक प्राइस जाता है, 350 तक जाता है, 200 से स्टार्ट होता है। बेल्ट भी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, अलग अलग कलर में है सारा सामान, बॉयज़ का ही होता ज़्यादातर, गर्ल्स के लिए यार कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादातर बॉयज़ का ही सामान है सारा। बेल्ट देखो आप, बेल्ट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी मेरे को लग रही है। कैप्स का कलर काफ़ी अलग अलग है, डिज़ाइन भी अलग ही है काफ़ी मेरे को लग रहा है भाई। जो मेरे को सबसे अच्छा लगा वॉचेस का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा, और जो गॉगल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, कैप्स में ठीक है, बट बेल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को, कैप्स थोड़ा मेरे को ठीक ठीक लगा। एक बार आपको देखने को बूट है इसका प्राइस कितना है, इसका 1350 है, फर्स्ट कॉपी है वुडलैंड का जैसा भैया ने बताया। शूज काफी अच्छा और लाइट वेट भी है, लग भी अच्छा रहा है काफी, काफ़ी अच्छे शूज़ हैं यहाँ पे। मेन तो यहाँ पे बॉयज़ का ज़्यादा सामान मिलता है, मतलब शूज़ वगैरह ही बॉयज़ के ज़्यादा नज़र आ गए। के पास है टाई भी खड़ा है, चप्पल है काफ़ी तरीके की, रुमाल टी शर्ट निकर सब मिल जाएगा इनके पास। ये क्या क्या है, मतलब बेसिकली सारा सामान अंकल जी के पास मिल जाएगा, मतलब ज़्यादा आपको घूमने की जरूरत नहीं, जो भी छोटा मोटा सामान आपको लेना है वो सब कुछ मिल जाएगा। क्या प्राइसिंग है अंकल जी, जैसे निक्कर की निक्कर है 200, कितना रेंज से स्टार्ट होगी, कितने तक जाता है ये, 400 तक जाता है, मतलब 250 रुपये से 400 तक। अच्छा अंदर वाले का प्राइस क्या होगा, 400। सर्दियों में भी विंटर का सामान मिलता है, चादर का टोपी वोपी, अच्छा हाथ के कलर 47 स्टोन लेडीज बढ़िया बढ़िया, लेडीज का भी सामान आपके पास मिलता है, अभी तक तो ज़्यादातर बॉयज का नजर आ रहा है, विंटर में भी सामान मिलता है बढ़िया बढ़िया। कैप्स का क्या प्राइस है, अलग है 150, 200, 300, 400, 600 तक, मतलब कितने तक रेंज आता है इसका, 150 रुपये से 150 से कितने तक, 600, 700 जैसे जैसे क्वालिटी होती जाएगी तो रेट आगे बढ़ता है। राजकुमार के पास मत जाना, तो यहाँ एक डोबरमैन भी है एक भैया के पास, पप्पी है अभी। होप सबको वीडियो पसंद आई होगी।
बाकी यार जींस का मैं इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया कि काफ़ी सारी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि हम वीडियो ना बनाएं। शायद उनके कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनके ऑनर ने मना कर रखा है वीडियो शूट करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि क्यों मना कर रखा है, इसलिए मैं जींस की प्राइसिंग वगैरह नहीं दिखा पाया, जींस की रेंज नहीं दिखा पाया किस तरीके की है, बट मार्केट काफ़ी अच्छी है। और आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।